हेलो स्टूडेंट, दिस इज संदीप कुमार सिंह, योर SST टीचर। डियर स्टूडेंट, एज यू टॉट इन प्रीवियस वीडियो चैप्टर 18 अबाउट ट्रैवल, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट ट्रैवल, व्हाट आर ट्रैवल सिस्टम एंड व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो लेट अस लुक एट द एक्सरसाइज टूडे। फर्स्ट वी लुक एट द सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, हेयर सम क्वेश्चंस आर गिवन क्वेश्चन एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन and you have to circle that option, correct option. Okay, so let us start now. First question is, okay, the first question is, three main means transport are, which are the three main means of transport, कौन से तीन मुख्य जो हैं ट्रांसपोर्ट हैं। पहला ऑप्शन है एयर, सन, वाटर। सेकंड, लैंड, वाटर, एयर। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज लैंड, वाटर, एयर। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। एंड यू हैव आल्सो रीड अबाउट इन लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, roadways, in roadways there are many transport like bus, truck, auto rickshaw, trains, these are the land means of the land transport. Water transport, ship, boat, steamers and yacht are the means of water transport. And air transport, helicopter and aeroplane are used in air transport. The second question is, in thick forest are often used a means of transport. Thick, very thick forest often used means of transport. Option A, camel. B, elephant. So right option is here is elephant. ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन है, थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल में ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कैमल यूज़ किया जाता है या एलिफेंट यूज़ किया जाता है? क्योंकि जंगल इलाके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, तो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, ज़मीन भी गीली होती है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, जानवर जाते हैं। खास करके जब भारी सामान उठाने की बात आती है तो ऊँट भी नहीं उठा सकता, इसलिए एलिफेंट यानी हाथी का काम ज़्यादा लिया जाता है। ओके, एरोप्लेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरोप्लेन लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम। ओके, एरोप्लेन लैंड और टेक ऑफ, लैंड मतलब जहाँ से हवाई जहाज आते हैं उतरते हैं, और वहाँ से टेक ऑफ मतलब फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, वो कौन सी जगह है, पोर्ट है या एयरपोर्ट है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? एयरपोर्ट होगा। क्या होगा? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जहाज आते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेलीकॉप्टर इज स्मॉलर देन। हेलीकॉप्टर किससे छोटा होता है? आप जानते हैं हेलीकॉप्टर किससे छोटा होगा? एरोप्लेन से। ओके, ऑटो से छोटा नहीं हो सकता, ऑटो बल्कि हेलीकॉप्टर से छोटा है, एरोप्लेन बड़ा होता है और हेलीकॉप्टर उससे छोटा, और इसमें कम पैसेंजर बैठते हैं। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा?
फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, और एक चीज़ और भी जानिए आप लोग कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है एयर ट्रांसपोर्ट होता है, और साथ ही साथ ये मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट भी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। हियर सम क्वेश्चन आर गिवन एंड यू हैव टू फिल द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर। हियर आर सम स्पेस गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट इज थ्री मेन ट्रांसपोर्ट आर, कौन कौन से तीन मुख्य ट्रांसपोर्ट हैं। तो पहला ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट, और तीसरा जो है वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी फर्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे इसमें लिखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर लिखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, और तीसरे में लिखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज। सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो सबसे सस्ता साधन जो है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता साधन कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे पानी पर जहाज चलते हैं, नाव चलते हैं, तो वहाँ पर हम सड़क नहीं बना सकते, साथ ही साथ बनाने का खर्चा नहीं होता। दूसरा चीज, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान, मोर गुड्स आर लोड एंड अनलोड, बहुत ज़्यादा सामान हम इस पर लाद सकते हैं और उतार भी सकते हैं। इस कारण से इस पर क्या है, आप देखोगे बड़े बड़े जहाज़ों पर बहुत ज़्यादा सामान लादे जाते हैं, इसी कारण से ये चीपेस्ट यानी सस्ता साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैमल्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन। कैमल्स ज़्यादातर कहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा डेजर्ट। कहाँ पर होगा, डेजर्ट, इसी कारण शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिना खाए पिए कई दिन तक डेजर्ट में चल सकता है। ओके फोर्थ क्वेश्चन इज आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट दैट कैरी फ्यूअर पीपल दैन एरोप्लेन। यानी कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें हवाई जहाज़ एरोप्लेन के मुकाबले या एरोप्लेन से कम पैसेंजर को ले जाया जाता है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट होगा एयर ट्रांसपोर्ट में, वो दूसरा कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, हेलीकॉप्टर। क्या होगा, हेलीकॉप्टर। ओके हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रांसपोर्ट है जिसमें 2, 4 या 10 मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मीन्स हैं, तो उसमें हम देखेंगे पहला होगा बोट, दूसरा होगा शिप, तीसरा होगा स्टीमर, बड़े बड़े नदियों में झीलों में क्या चलते हैं, बोट चलते हैं, समुद्र में या ओशन में क्या चलते हैं, शिप चलते हैं, स्टीमर भी नदियों में चलाए जाते हैं, झीलों में चलाए जाते हैं। ओके तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नंबर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम स्लोअर टू फास्टेस्ट, आपको यहाँ पर कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, जैसे कि बुलक कार्ट्स, स्कूटर, साइकिल, एरोप्लेन, ट्रेन, हेलीकॉप्टर। इसमें से आपको जो सबसे तेज चलता है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बुलक कार्ट बहुत धीरे चलता है। ओके बुलक कार्ट नंबर 1 हो जाएगा, स्कूटर, उसके बाद दूसरे नंबर पर साइकिल आएगा, साइकिल से थोड़ा तेज, बुलक कार्ट से थोड़ा तेज हो जाता है साइकिल, उसके बाद स्कूटर यानी ये मोटरसाइकिल मोटर बाइक है और इसमें जो है थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है बाकी तीनों के पीछे। फोर्थ नंबर पर आएगा ट्रेन,
फिफ्थ नंबर पर आएगा हेलीकॉप्टर और सिक्स नंबर पर आएगा आपका एरोप्लेन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। नेम फाइव मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू राइट सम आंसर दैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन हैं? तो आंसर होगा बस, ट्रक, ऑटो एंड साइकिल। नेक्स्ट होगा ट्रेन। ये सब कौन से हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। किसके? लैंड ट्रांसपोर्ट के। सो आंसर इज द सम फाइव मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ऑटो, ट्रेन्स, स्कूटर्स, साइकिल्स आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। सो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द टू टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन विलेज। सो आंसर इज द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन विलेज आर बुलक कार्ट्स, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स एंड ऑटो रिक्शाज आर आल्सो यूज्ड इन विलेजेस। विच इज द फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। बाकी सभी ट्रांसपोर्ट में सबसे तेज और सबसे खर्चीला यानी महंगा जो होता है वो कौन सा होता है? एयर ट्रांसपोर्ट। सो आंसर इज एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हाई डू वी नीड ट्रेवल। हम ट्रेवल क्यों करते हैं? वी नीड टू ट्रेवल टू डू आवर वर्क एंड सेंड आवर गुड्स। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल एक्सप्लेन अबाउट न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।